नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं वी इंडिया न्यूज चैनल। चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ बड़ी खबरों पर। बापू महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने सड़कों पर उतरकर नारेबाजी करते हुए तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। तानाशाही प्रचारक को हटाकर योगी प्रचार को प्रभार दिए जाने की मांग की। महाविद्यालय के एनसीसी केयर कैडरों को एनसीसी ट्रेनिंग के लिए भेजा जाना था, लेकिन प्रचारक उच्च शिक्षकों के कहने पर ट्रेनिंग पर नहीं भेज रहे थे। अगर जल्द ही एनसीसी में शिक्षकों को नहीं भेजा गया तो हम सभी छात्र छात्राएं उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। के माध्यम से ज्ञापन दिया गया, क्या प्रमुख मांग रही हैं और किस वजह से ज्ञापन दिया गया? हमारी कॉलेज की प्रिंसिपल मैम है, जिनके बुरे व्यवहार के कारण हम लोगों ने ये उसका शामिल की मैम है जिनके बुरे व्यवहार के कारण हम लोगों ने यहाँ पे ज्ञापन दिया है, क्योंकि वो मैम है तो एनसीसी केयर टेकर हैं जो हमारी शीतल सरोठिया मैम और राम कुमार आर्य सर, तो उन दोनों को ट्रेनिंग पे जाना है, तो मैम उन पर मतलब जाने के लिए तैयार नहीं है और वो कहती हैं कि यहाँ पे प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ होने जा रही है जो कि नहीं हो रही है, तो मैम उन लोगों को परमिशन नहीं दे रही है जाने के लिए। मैम का क्या नाम? मैम का पुष्पा शामिल थी मैम। अगर आप लोगों की मांगे नहीं पूरी नहीं हुई तो क्या करेंगे आगे? तो वो ग्रांड ग्रहण करेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ से हम लोगों की एनसीसी चली जाएगी जो बच्चों के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। छात्राओं ने ज्ञापन दिया है, किस बेस पे ज्ञापन दिया है, क्या ज्ञापन क्या मांग रखी है? क्या सर, छात्रों के पास खाली 2 ही दिन का टाइम बचा है, अगर 2 दिन में इनकी मांगे पूरी नहीं होती तो यहाँ से एनसीसी चली जाएगी, इसके लिए के माध्यम से ज्ञापन दिया गया, क्या प्रमुख मांगे रखी गई है? एक उस दिन पहले बटालियन से जो लेटर आया था तो उसमें केयर केटरों को एनसीसी कहने के लिए भेजा जाना था, लेकिन जो वर्तमान में पुष्पा सामने के प्राचार्य हैं उनके द्वारा आपसी तानाशाही के कारण केयर केटरों को ट्रेनिंग पर नहीं भेजा जा रहा है। इसकी लास्ट तारीख 10 तारीख है और 2 दिन बची, इसलिए हम लोगों ने तहसील में ज्ञापन दिया है कि मैडम से कहा जाए और जो भी केयर केटर है उनको ट्रेनिंग पर भेजा जाए। क्या प्रमुख मांगे रखी गई है ज्ञापन? इसमें हमारी यही मांग है कि ऐसे तानाशाही प्राचार्य को हटाया जाए, किसी युग प्राचार्य को प्रभाव दिया जाए, क्योंकि उनका एक मुद्दा नहीं कई ऐसे मुद्दे हैं कि जो जब से 6 महीने से प्रिंसिपल बनी है कोई भी कार्य नहीं किया, अगर कोई छात्र काम कराने के लिए जाता है तो उसको भगा दिया जाता है, तो इसलिए हम लोगों ने मांग की थी एनसीसी, क्योंकि महाविद्यालय की धरोहर है, जब से महाविद्यालय है तब से महाविद्यालय में एनसीसी है और कई आरडी परेड में भी बच्चे यहाँ से गए हैं दिल्ली में, तो हम लोगों ने यही मांग की कि सभी के जो 2 केयर गेटर हैं इन लोगों को एनसीसी कहने पर भेजा जाए तथा महाविद्यालय में एनसीसी यथावत रहे। अगर आप लोगों की मांगे पूरी नहीं तो होगी तो आगे क्या करेंगे? अगर हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होती हैं तो मैडम का घेराव करेंगे तथा आगे चलकर उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी कॉलेज प्रशासन एवं